नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ राजस्थान से पूनम शर्मा और आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम डांस स्टूडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में अभी आने वाला है गणगौर का फेस्टिवल और हमारे यहाँ निकलती है गणगौर की सवारी। और गणगौर की सवारी में हम लोग ढोल के साथ खूब नाचते गाते बजाते डांस करते हुए निकलते हैं अपनी सवारी में। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि जो स्टेप मैं अपने इस ढोल के साथ यहाँ पर गणगौर की सवारी में करती हूँ, आज वही स्टेप मैं आपको बताऊँ कि आप भी ढोल पर डांस कर सके। राजस्थान के नहीं है तो कोई बात नहीं, ढोल हर जगह बसता है, हर स्टेट का ढोल होता है, वहां भी बसता है। तो आप आसानी से स्टेप्स को चाहे ढोल पे कीजिए, चाहे किसी सॉन्ग में कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बस एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं सिखाती हूँ आज आपको राजस्थानी कुछ ढोल के प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टेप्स, तो सीखते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करें आज का हमारा पहला स्टेप। जब ढोल बजता है ना तो ढोल का एक नियम होता है कि कमर चलनी चाहिए आपकी बस, और दूसरा आपके पैरों में जान होनी चाहिए, मतलब कमर अच्छे से चलनी चाहिए और पैर आपके उठने चाहिए। जान का मतलब मूवमेंट होना चाहिए पैरों में, चाहे अपनी जगह खड़े खड़े हो, चाहे आगे पीछे कहीं पे भी हो, चाहे सर्कल में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सिखाती हूँ आज आपको कुछ बेसिक डांस स्टेप्स। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला स्टेप्स, जैसे ही ढोल हम शुरू होता है हम डांस करते हैं, सबसे पहले चलती है हमारी कमर। तो कुछ आप कमर के बेसिक स्टेप ले लीजिए और उनसे अपना डांस शुरू कर दीजिए। पहला स्टेप्स, कमर कैसे चलती है वो मैं आपको मेरे पुराने वीडियो में सिखा चुकी हूँ, वहां से आप सीख सकते हैं। तो हमारा आज का पहला स्टेप, कमर के साथ कमर पे हाथ रखिए, ठीक है, और अपने कमर पे हाथ रख के कमर को सिर्फ अप डाउन करना है और घुमाना है आगे और पीछे की तरफ। ठीक है, एक दो, एक दो, यानी पैर को रखिए, कमर को उठाइए, आगे घुमाइए और पीछे घुमाइए। ध्यान से देखिएगा, कमर पे इस तरह हाथ को मोड़ के रखिए, दूसरे हाथ को ऐसे रखिए, कमर को ऊपर उठाइए, उठा के आगे दीजिए और पीछे दीजिए, इस तरह एक दो, एक दो। आप लेफ्ट ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड से रिलैक्स से करते हैं तो भी कोई इशू नहीं। एक दो, एक दो, एक दो, ये तो कमर का पहला स्टेप है जो आपके हर स्टेप में काम आएगा। ठीक है, देखिएगा, एक दो, एक दो, एक दो। अब हमारा इसी में दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप क्या करते हैं, अपना लहंगा पकड़िए, ठीक है, और लहंगे को इस तरह से ऊपर नीचे खींचिए, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और पैर को डिपिंग के साथ ऐसे धीरे धीरे उठाइए। फ्रेंड्स, डिपिंग कैसे करते हैं ये मैं अपने पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा चुकी हूँ, प्लीज आप मेरे पुराने वीडियोज में, पिछले वीडियो में देख करके सीखिएगा कि मैंने किस तरह सिखाया है। तो देखिएगा, लहंगा ऊपर कीजिए और इस तरह से बस खड़े खड़े देखिएगा, एक दो तीन चार, इसी में तीसरा स्टेप है, एक दो तीन चार, हल्का सा कंधा झुकाइए, ड्रेस को पकड़िए, राइट साइड थोड़ा झुकिए, पैर को मारते मारते, उठा के मारते मारते, कमर को निकालते निकालते गोल घूम जाइए। फिर देखिए फ्रेंड्स, पैर को उठा के रखिए, झुमका, कमर डाउन, शोल्डर डाउन, ठुमके के साथ, ठुमके के साथ, ठुमके के साथ, ठुमके के साथ, देखिएगा, एक दो तीन चार, सेम चीज लेफ्ट से भी करेंगे, उल्टा घूमेंगे, एक दो तीन चार, यानी एक बार आपको राइट टर्न लेना है, एक बार लेफ्ट, देखिएगा फिर, एक दो तीन चार, पांच छह सात आठ, इस तरह से। अब फ्रेंड, इसी में अगला स्टेप है और इसी में आगे करेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, सेम लहंगा अप डाउन, ठुमका लगा के आगे पैर, ठुमका लगा के पीछे पैर, ठुमका लगा के आगे पैर, ठुमका लगा के पीछे पैर। तो फ्रेंड, ये तो करोगे अब लहंगे के साथ, ठीक है, कमर के साथ किया हमने ये, ठीक है, लहंगे के साथ किया। अब हम करेंगे अपने हाथों के स्टेप्स। तो हमें हाथों के साथ अपनी फिंगर पकड़नी है और फिंगर पकड़ के अपने राइट लेग को पीछे रखना है,
फिंगर को नीचे रखना है और इस तरह कमर को ठुमका लगाना है हल्का हल्का, देखिएगा। उंगली पकड़नी है, एक दो तीन चार, देखिएगा मैं हल्का सा, एक दो तीन चार, मेरी बॉडी हल्के पीछे हो गई ना, बैक साइड ना झुक गई इस तरह से, देखिए एक दो तीन चार, यही से पीछे घूम जाएंगे ऐसे, वापस करेंगे पांच छह सात आठ इस तरह, और वापस घूम जाएंगे। फ्रेंड्स ये स्टेप साइड टू साइड भी होता है, तो देखिएगा साइड में बहुत अच्छा लगता है स्टेप। इस तरह फिंगर पकड़िए, लेफ्ट लेग आगे राइट पीछे, एक कमर को हल्का हल्का ठुमका मारना है, आप प्लीज भूलिएगा नहीं, कमर को हल्का हल्का ठुमका मारना है, एक दो तीन चार घूमेंगे इस तरह से डाउन, पांच छह सात आठ इस तरह, ये देखिए। और अगर आपका ढोल का म्यूजिक फास्ट हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो देखिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यानी इसी मूवमेंट को थोड़ा जल्दी कीजिए, म्यूजिक स्लो है तो आराम से कीजिए इस तरह। और फ्रेंड इसी में अगला स्टेप है जिसमें हम दो करेंगे, वन टू थ्री फोर, वन टू पे एक स्टेप करेंगे और थ्री फोर पे अलग स्टेप करेंगे, ठीक है। वन टू पे करेंगे इस तरह से, अपने हाथ को रखेंगे यहाँ पे, एक दो, देखिएगा हाथ एक बार लेफ्ट साइड में, हाथ को ऊपर फिर लाना है नीचे इस तरह, एक दो, अच्छा पैर करना है, एक दो, हल्का लगवाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखो एक दो, ऐसे भी कर सकते हैं, एक दो, अगर खड़े खड़े करते हैं तो करेंगे एक दो एक दो, और अगर चलने में थोड़ा सा स्टेप के साथ करेंगे, सर्कल में करेंगे तो पैर चलाते हुए करेंगे, तो अभी हम सीखते हैं पैर चलाते हुए, पैर को डिपिंग के साथ इस तरह, एक दो, आप इस तरह हाथ करेंगे और गुंजेंगे, तीन चार इस तरह, फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक बार फिर देखिएगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरह से। अब इसी है फ्रेंड हमारा अगला स्टेप है जिसे हमें करना है हाथ, ठीक है, ये हमारे हाथ है, हमें करना है एक हाथ को यहाँ अपने ही लेफ्ट हैंड को उंगलियों को टच करना है कंधे पे, दूसरा लगाना है कमर पे, यहाँ देखो ये स्टेप ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, और यही स्टेप ऐसे भी होता है, यानी एक कंधे पे दूसरा कमर पे, फिर जब राइट हैंड हमने कंधे पे लगाया ना फ्रेंड, तो लेफ्ट हैंड यहाँ लगा दिया, तो वन टू थ्री फोर इस तरह से, अब देखिएगा और हल्का सा झुक जाएंगे, खड़े खड़े नहीं करना है, राजस्थानी डांस है तो बहुत ही नजाकत से प्यार से और आराम से करना है, देखिएगा एक दो तीन चार, और फिर क्या करना है फ्रेंड्स, पांच छ सात आठ इस तरह, फिर देखिएगा मैंने एक साथ दो स्टेप को कनेक्ट कर दिया आपस में, पहला है एक पैर डिपिंग में, जब साइड जाएंगे तो इधर, साइड जाएंगे तो इधर इस तरह, तो हाथ देखें, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, अच्छा साइड में मैंने क्या किया है, ऐसे देखिएगा हाथ तो कुछ ऐसे क्रॉस करके इधर लगा दिया, ये देखिएगा ऐसे क्रॉस किया, हल्का झुकी यहां लगाया, इधर क्रॉस किया हल्का झुकी यहां लगाया इस तरह से, फिर देखिएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, अब इनको अलग अलग भी कर सकते जाए तो, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और चाहे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इस तरह आगे बढ़ने में भी कर सकते हैं इनको आराम से, समझ में आया फ्रेंड्स। अब इसमें अगला स्टेप है जिसमें हमें क्या करना है, हाथ को सिर्फ घुमाना है ऐसे, देखिए हाथ है ऐसे गोल घुमाइए, गोल घुमा के लगा दीजिए, देखो
ऐसे गोल घुमाइए और कंधे में लगाइए, फिर ऐसे गोल घुमाइए और कंधे में लगाइए, यानी हाथ को बस गोल घुमाते हुए कंधे पे, गोल घुमाते हुए कंधे पे, बस हाथ है ऐसे गोल घुमाइए कंधे पे लगा दीजिए, इसको फिर ऐसे गोल घुमाइए कंधे पे लगा दीजिए, नीचे से ऊपर की ओर, देखिए कैसे दिखाती हूँ, पैर सेम डिपिंग में हल्का हल्का, बस स्माइल, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और मैं हल्का हल्का सा जब ऐसे घुमाया तो हल्का सा ऐसे होगी सीधी होगी, जब लेफ्ट से किया हल्का सा घुमा के सीधी होगी, बस बॉडी को हल्का 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 घुमाया। फ्रेंड्स ये तो बहुत थोड़े से स्टेप्स है, राजस्थानी स्टेप्स की भरमार है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं राजस्थानी, उन्हीं में से कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको सिखा रही हूँ आज, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारे इसमें अगला स्टेप सीखिए हाथ के साथ, ठीक है। अब हाथ को कुछ नहीं करना है, हाथ को एक होता है, देखिए एक हाथ होता है, इसमें हम इस तरह से करते हैं, देखिए जिसे हम एक फिंगर के साथ मूव करते हैं, पूरा हाथ एक फिंगर, पूरा हाथ एक फिंगर। अच्छा एक स्टेप होता है जिसमें हाथ को एक को नीचे और दूसरे को हम ऊपर रखते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है, कोई फिंगर निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे से ऊपर करते हैं इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला स्टेप, वही सेम नीचे से करेंगे पैर डिपिंग के साथ, हमारे मोस्टली स्टेप्स डिपिंग के साथ ही हैं, हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है, और सर्कल में भी कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करो किस तरह, एक, अब मैं कोई पैर चला रही हूँ, ठुमका लगा रही हूँ, देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, मैं चार बार ऊपर की स्टेप ले गई, फिर मैं नीचे लाई, चार बार ऊपर की ओर ले गई, फिर मैं नीचे लाई, देखिए जल्दी से आगे देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, और जब ऊपर नीचे करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, पैर को ऐसे भी चला सकते हैं और खड़े खड़े कमर के साथ। फ्रेंड्स ये वाला स्टेप्स दोनों तरह से कर सकते हो, खड़े खड़े भी कर सकते हो और पैरों को सर उठा के भी कर सकते हो, ऐसे दोनों तरह से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है मेरे आज के स्टेप्स, हम जल्दी से एक बार म्यूजिक के साथ स्टेप्स को करके देख लेते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? मैंने बहुत ही सरल और आसान तरीके से आज के मेरे सारे स्टेप सिखाए हैं कि जिससे आप आसानी से ढोल पे इन स्टेप्स को कर सके और राजस्थानी गंगोर में तीज की सवारी निकलती है ना, बस उस पे आराम से इन स्टेप्स को कर सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत स्टेप्स आपके लिए लेकर के आती रहूंगी, तो आप मेरे चैनल बने रहिए मेरा और अपना प्यार, मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप डांसिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों, याद है ना, सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड